करेंसी को भारत में मान्यता मिलने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को आरबीआई की ओर से जोर का झटका लगा है। लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि देश का केंद्रीय बैंक क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह बैन लगाने के पक्ष में है। बकौल वित्त मंत्री, आरबीआई का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी से देश के मॉनिटरी और वित्तीय स्थिरता को खतरा है। दरअसल वित्त मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकार देश में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर बंदिश लगाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। दूसरा सवाल ये था कि क्या आरबीआई ने देश में क्रिप्टो करेंसी के चलन पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार को कानून बनाने की सिफारिश की है। इसी के जवाब में उन्होंने कहा कि आरबीआई क्रिप्टो करेंसी को करेंसी नहीं मानता, क्योंकि किसी भी करेंसी को जारी करने का अधिकार देश के सेंट्रल बैंक या सरकार को है, जबकि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू पूरी तरह अटकलों पर निर्भर है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेशन या प्रतिबंध लगाने के लिए कोई भी कानून अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बाद ही प्रभावी हो सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को किसी देश की सीमा के भीतर बांधा नहीं जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी को फिलहाल भारत में मान्यता नहीं मिली है। नवंबर 2021 में घोषणा के बावजूद सरकार क्रिप्टो करेंसी पर नकेल कसने के लिए संसद में बिल लेकर नहीं आ पाई है, जबकि इस बीच संसद के दो शीतकालीन और बजट सत्र पूरे हो चुके हैं और तीसरे मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इस सत्र में भी बिल लाने की कोई चर्चा नहीं है। ये जरूर है कि सरकार ने क्रिप्टो करेंसी से होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स और ट्रेडिंग पर 1% TDS लगा चुकी है,